तो वेरी गुड आफ्टरनून और एक फ्रेश वाली वीडियो में आप सबका स्वागत है। फाइनली हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और हमें कम्युनिटी टैब भी मिल चुका है। हमें 1020 सब्सक्राइबर्स पे हमें कम्युनिटी टैब मिल चुका है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो फाइनली आज हमारे पास आ गए हैं मीवी के ड्यूपॉट्स A25। अब इस जल्दी से करते हैं अनबॉक्स, क्योंकि 19 मई को भी लॉन्च हुए हैं, एकदम लेटेस्ट प्रोडक्ट है। अभी देखते हैं क्या कुछ फीचर्स है, क्योंकि इसे मैंने ऑर्डर किया है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो ये है मीवी के ड्यू पॉड्स A25 ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स। यहाँ पे मेंशन किया गया डीप पावरफुल बेस मेड इन इंडिया एंड ब्लूटूथ 5.0। वही मीवी ड्यू पॉड्स A25 वायरलेस ईयरबड्स, 30 आवर्स बैटरी बैकअप, इम्प्रेसिव साउंड क्वालिटी, पावरफुल बास, टच कंट्रोल। हाँ, और पता क्या, मतलब इस प्राइस रेंज में आपको टच सेंसिटिव कंट्रोल मिल रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। अभी जैसे जैसे करते ओपन, एक्चुअली मैंने पहले ही ओपन कर लिए थे, एक्साइटमेंट। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मीवी का कार्ड मिलने वाला है, ये वारंटी कार्ड है, 1 ईयर वारंटी, उस ये भर सकते हैं बाजू में। उसके बाद आपको ये मिलने वाला है वेलकम टू द क्रू। ओके, यहाँ पर बाजू में इसका कुछ काम नहीं है। तो ये है हमारे मीवी के ड्यू पॉड्स A25 केस, इसे रखते हैं बाजू में। सबसे पहले यहाँ पे ओपन करते हैं, यहाँ पे ईयरबड्स मिलने वाले हैं। ओके, आपको ईयरबड्स दिए गए हुए हैं। एक्चुअली इसका चार्जिंग केबल भी आपको इसके साथ मिलती है, पर मेरी चार्जिंग केबल शायद से मुझे नहीं आई है, देखते भी। पर मेरे साथ मेरे पास टाइप सी केबल है, तो वो भी काम हो जाएगा। अभी सब कुछ इसे रखते हैं साइड में। तो ये है हमारे मीवी के A25 ड्यू पोर्ट्स। आपको पीछे यू टाइप सी का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, तो इसकी जो प्राइस रेंज है वो 1200 रुपीज़ है। 1200 में आपको यहाँ पर टाइप सी मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। सो अंदर से कुछ ऐसे दिखते हैं मीवी के A25 ड्यू पोर्ट्स। जो ऊपर का ये पोर्शन है ये पूरा टच सेंसिटिव है। तो अगर आप दोनों बर्ड्स में से अगर कौन से भी टच पोर्शन पर सिंगल टैप करते हो तो आपका म्यूजिक प्ले या पॉज होगा। अगर आप लेफ्ट बर्ड पर डबल टैप करते हो तो आपका साउंड पीछे जाएगा। अगर आप राइट बर्ड पर डबल टैप करते हो तो आपका साउंड आगे जाएगा। अगर आप इस ईयरबड्स को आगे से देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा ये एप्पल के ईयरबड्स है या मीवी के हैं। मुझे पर्सनली इसकी फ़िट एंड फिनिश बहुत अच्छी लगी, मतलब इसे ड्यूरेबल अच्छे लगते हैं। आपको यहाँ पे ऊपर दोनों साइड में माइक मिलने वाला है, आपको यहाँ पे कोई भी नॉइस कैंसिलेशन के लिए माइक नहीं है, और आपको इसमें मैग्नेट्स मिलने वाले हैं। आप मतलब यहाँ पे जैसे ही रखते हो ये वहाँ पे स्टिक हो जाते हैं। तो बीच में जो आपको लाइट ब्लिंक होते हुए दिख रहा है, ये लाइट ब्लिंक नहीं हो रहा है, ये स्टेडी लाइट है, मतलब चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। ये FPS के वजह से आपको ब्लिंक होते हुए दिख रहा है। अगर इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की बात करें तो बहुत ही सीमलेसली कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब जैसे ही ईयरबड्स को केस में से बाहर निकालते हो वैसे आपको यहाँ पे पेयरिंग के लिए नाम आ जाता है। आपको 5 से 6 सेकंड्स वेट करना है फर्स्ट पेयरिंग के लिए। तो अभी करते हैं, यहाँ पे उसके पेयर करना है, अलाउ एंड पेयर। तो पेयर हो गए हैं, अभी दिखा रहा है बैटरी 100%। सो ये जो मीवी डियो पर A25 है, अगर अभी इसकी फिटिंग की बात करें, ओ ये मैच हो गए। ओके, आप जैसे इसे सुनते हो तो आपको साउंड आएंगे रेडी टू पेयर। एक मिनट पेयर। शायद सबको आवाज़ आई होंगी। अब इसे पहन लेता हूँ, अभी इसे मैं दूसरा पहनता हूँ, उसमें भी सेम आवाज़। ओके, अब ये दोनों एक मेरे को पेयर हो गए हैं और मेरे मोबाइल के साथ भी पेयर हो चुके हैं। तो अगर फिटिंग की बात करें, फिटिंग बहुत ही अच्छी है। आपको यहाँ पर कान में कुछ भी ऐसा दर्द नहीं होगा कि यार आप इसे काफ़ी टाइम तक अच्छे से पहन के रख सकते हो। आपको फिटिंग बहुत अच्छी है। अगर तो अगर इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो साउंड क्वालिटी बेस बहुत अच्छा है, पर ट्रेबल थोड़ा सा चाहिए था, क्योंकि ट्रेबल मुझे लगता है थोड़ा सा कम है, क्योंकि आवाज़ थोड़ी सी दबी दबी आती है। आपको इसमें 10 mm के ड्राइवर्स मिलने वाले हैं। तो अगर इसके मिड्स एंड हाइज की बात करें, मिड्स एंड हाइज भी बहुत अच्छे हैं, एकदम बैलेंस है। ऐसा नहीं कि लेफ्ट साइड में ज़्यादा आवाज़ है, राइट साइड में ज़्यादा, सब ऐसा बैलेंस है। पर अगर प्राइस पॉइंट के हिसाब से बात करें, मतलब 1200 इसकी प्राइस है, मुझे एयरपॉड्स बहुत अच्छे लगे, क्योंकि यार मतलब साउंड क्वालिटी भी अच्छी है, टच कंट्रोल भी आपको मिल रहा है, और केस के साथ आपको 30 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल रहा है। दोनों मिला के ये 7 आवर्स और ये टोटल मिलेगा आपको 30 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल रहा है। तो मीवी के ये A25 से पहले एयरपॉड्स है जिसमें आपको 30 आवर्स का विद केस बैटरी बैकअप मिलने वाला है। 2 दिन में मैंने केस को एक बार भी चार्ज नहीं किया है। अभी भी केस में चार्जिंग है, अभी भी केस की चार्जिंग डाउन नहीं हुई है। और पर्सनली अगर मैं वॉइस क्वालिटी की बात करूँ, अगर किसी को कॉल करते हैं तो भी क्लियर क्रिस्प साउंड आती है। अगर मैं कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊँ, बहुत जन कॉल रिकॉर्डिंग सुना रहे, मतलब इसे कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके बाद रिकॉर्ड साउंड सुना रहे, पर जब आप ईयरपॉड से कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो साउंड अच्छे से नहीं आ रहा है। वो इस ईयरपॉड के माइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं उन सबको बताना चाहता हूँ। वो सिर्फ कॉल जब रिकॉर्ड होता है तभी ऐसा साउंड आ रहा है, पर आप पर्सनली जब किसी को कॉल करते हो
तो आपकी वॉइस वहाँ पे एकदम से क्लियर और क्रिस्प जाती है, और आपको भी उसकी साउंड एकदम से अच्छी क्लियर आती है। तो इसे गेमिंग वाला देख रहा है तो मैं पर्सनली इसे बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि गेमिंग ईयरफोन्स बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पबजी खेल रहे हो तो आपको इसमें लेटेंसी फील होंगी, क्योंकि इसमें सब पर्सनली कोई भी मोड नहीं है, लो लेटेंसी मोड है कुछ भी ऐसा। पर अगर आप डेली यूज़ कर रहे हो, गाने सुन रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो बेस्ट ईयरफोन्स है 1200 के प्राइस पॉइंट्स के हिसाब से मीवी ड्यूपॉड्स 825। अगर आपको इसे बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो, डायरेक्टली अमेजोन से भी बाय कर सकते हो। पर कृपया पता क्या, व्हाइट कलर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, और व्हाइट कलर बिल्कुल भी अनअवेलेबल बता रहे, आउट ऑफ स्टॉक। मीवी के ड्यूपॉड्स 825 चार कलर में अवेलेबल है, व्हाइट, रेड, ब्लू और ऑरेंज। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, आपको जो पसंद है। मुझे पर्सनली व्हाइट पसंद था, इसलिए मैंने व्हाइट लिया है। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहिए टेक्सटेड ब्लॉग्स।